पी टी आई की नाकस पॉलिसियों ने आवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेला। नून लीग ही आवाम को भारी भरकम बिलों से निजात दिलाएगी। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब, बोले घरेलू सार्फीन को रिलीफ दे चुके, अब सनअती सार्फीन की बारी है। मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नई हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। नौ मई वाकयात की माफी मांगने तक बानी पीटीआई से मुजाकरात नहीं होंगे, हुकूमत से साफ साफ बता दिया। एहसन इकबाल की बानी पीटीआई पर कड़ी तंकीद, कहा वो एनआरओ चाहते हैं जो कभी नहीं मिलेगा, रसीदें देना पड़ेंगी, शिकायत करने वाले फाइव स्टार जेल काट रहे हैं। वफाकी वजीर ने बताया पार्टी इजलास में बिजली सस्ती करने के लिए असलाहत पर गौर किया गया। मियां नवाज शरीफ ने वफाक और पंजाब को अवामी रिलीफ के इकदाम उठाने की हिदायत की। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ पी टी आई के साथ मुजाकरात के मुखालिफ, कहा पी टी आई से बात करने वाली टीम का मेंबर नहीं, ज्योतिषी नहीं हूं जो बानी पी टी आई का मुस्तकबिल बता दूं। पीपल्स पार्टी तहफ़ुज़ात के बावजूद चाहती है हुकूमत चलती रहे, उम्मीद है नून लीग तय होने वाली बातों पर अमल करेगी वरना दोनों का नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब में पावर शेयरिंग पर कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। खतरा टल गया, समंदरी तूफान असना समंदर में ही खत्म हो जाएगा। साइक्लोन कराची से 230 और गवादर से 300 किलोमीटर दूर चला गया, रुख मस्कत और ओमान की जानिब। कराची में आइंदा दो रोज तक बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान के जिला बुलान में मूजो सैलाबी रेले, कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियां और मुसाफिर कई घंटों से महसूर, कार भी रेले में बह गई, मुसाफिर बच गए। इलाके में 50 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। दरियाए नाड़ी, तिल्ली और लहरी नदियां भी बिफिर गईं। चमन में रेलवे ट्रैक का नुकसान, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कुमराट में सैलाबी रेले से तबाही, इंतजामिया इलाके में फंसे 50 से ज्यादा सयाहों को बाहिफाजत वापस पहुंचाने के लिए कोशिश। बरीकोट के मकाम पर सड़क बहाली का काम जारी, एबटाबाद में होलनाक लैंडस्लाइडिंग की फुटेज सामने आ गई। हरिपुर में भी बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों का राबता मुनकते। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मजीद दो केसेस रिपोर्ट, जद्दा से कराची पहुंचने वाला मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बैरून मुल्क से आने वाले 51 साल शख्स में अलामात जाहिर हुई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन, पाकिस्तान की बैटिंग जारी, दूसरे सेशन में टाइगर्स अहम विकेटें हथियाने में कामयाब। साइम अयूब 58, शान मसूद 57, सऊद शकील 16 और बाबर आजम 31 रन पर आउट। अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स के पहले ओवर में बगैर रन बनाए पवेलियन लौटे।